गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, बैंकिंग। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 26th लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, students. In the previous chapter, we noted that the commercial banks are an important source of money supply in the economy. Okay? कि हमने अपने पिछले चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में यही देखा कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई का इम्पोर्टेंट सोर्स कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक। एंड अनलाइक द सेंट्रल बैंक, द कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी, एंड दे कैन नॉट इशू नोट्स और कॉइन्स। आप कमर्शियल बैंकों के पास ये तो राइट नहीं होता ना नोट्स और कॉइन्स को इशू करने का। सो येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी, फिर भी उनको मनी का सप्लायर बोला जाता है, एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। सो इन द प्रेजेंट चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। How exactly the commercial banks create money? So students, commercial bank growth of an economy depends upon the level of business activities. किसी भी economy की जो growth है वो किसके ऊपर depend करती है, जो business activities के level के ऊपर, and which in turn depend upon the investment level of the economy. और वो आगे किसके ऊपर डिपेंड करती है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है उसके ऊपर। सो फाइनेंशियली रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड बाय फर्म्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो फर्म्स हैं उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। सो सच इन्वेस्टमेंट्स आर रेज्ड थ्रू सेविंग जर्नली मेड बाय द हाउस होल्ड्स, एंड द लिंक बिटवीन द हाउस होल्ड्स and firms is served by financial intermediaries commonly known as the commercial banks by accepting public deposits savings and offering these deposit to firms for the purpose of investment. So इसीलिए commercial bank क्या करते हैं, वो जो public हैं उसकी जो savings होती हैं उनको accept करती हैं एज अ डिपॉजिट, उनको एक्सेप्ट करती हैं, और फिर उसके बाद वो जो डिपॉजिट्स होते हैं उन डिपॉजिट्स में से फर्म्स को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए क्या देती हैं, लोन देती है, फाइनेंशियल उनको हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक आर दोज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हुज मेन फंक्शन विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इज टू accept checkable deposits, and they accept deposits from the general public and extend loan to households, firms and the government. Okay, general public से क्या करती हैं, ये उनके deposit को accept करती हैं, और फिर आगे वो क्या करती हैं, उसे वो loan जो है लोगों को, firms को, government को और household को वो loan देती हैं, और इस तरीके से वो क्या करेंगी, मनी को क्रिएट करेंगी, मनी क्रिएशन करती हैं। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। सो स्टूडेंट्स, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ कमर्शियल बैंक। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कमर्शियल बैंक का है वो है क्रेडिट क्रिएशन करना। एंड द सेंट्रल बैंक क्रिएट्स मनी वाइल कमर्शियल बैंक इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी बाय क्रिएटिंग क्रेडिट फॉर द फर्म्स विच रिक्वायर फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूजिंग द सेविंग मेड बाय द हाउस होल्ड्स इन द इकोनमी। ओके, and those households are the lenders and the firms are the borrowers in a banking system
इन द रियल सेंस क्लियर। सो जो सबसे मेन जो फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का वो क्रेडिट का क्रिएशन करना होता है, क्रेडिट क्रिएशन करना होता है। सेंट्रल बैंक जो करते हैं वो मनी क्रिएट करते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई जो है उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसके और किसके जरिए वो इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करके। ओके तो अब यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ पर जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड्स यहाँ पर लैंडर्स होते हैं, जबकि फर्म्स यहाँ पर क्या होती हैं, बरोवर्स होती हैं एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज द बैंक डिपॉजिट्स। जो क्रेडिट क्रिएशन का बेस होता है वो क्या होता है, जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। एंड टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक आर टू काइंड्स, फर्स्ट इज प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स विद अ बैंक आर द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन द सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स अकाउंट। जो पहले पब्लिक जो है वो क्या करती है, बैंकों में जो अपना पैसा जमा कराती है वो क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, फर्स्ट टाइम जो जमा करा रही है, जो डिपॉजिट कर रही है। ओके एंड होल्डर्स ऑफ द अकाउंट्स कैन विदड्रॉ दीज डिपॉजिट्स डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड विद द अकाउंट्स। जितने भी होल्डर्स होते हैं इन अकाउंट्स के, वो अपना पैसा जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। और वो किस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करेगा, जो भी उनके अकाउंट के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लगाई जाती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको विड्रॉ करा सकते हैं। सो सेकंड इज सेकेंडरी, सेकंड बेसिस सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। सो सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर द लोन granted by banks to the firms using primary deposit made by the households. Okay, जो आप सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, जो आप बैंक क्या करेगी, लोन जो पब्लिक को क्या देगी, लोन देगी। बैंक जो है इन डिपॉजिट्स में से जो लोन देती है पब्लिक को, बरोइंग्स देती है, तो वो किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स में। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट आर द लोन ग्रांटेड बाय बैंक्स के द्वारा जो लोन ग्रांट किए जाते हैं किनको, टू द फर्म्स को यूजिंग प्राइमरी डिपॉजिट्स मेड बाय द हाउस होल्ड। और वो किसका यूज करते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स का जो हाउस होल्ड के द्वारा बनाए गए हैं। एंड दे आर द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर कमर्शियल बैंक, और ये कमर्शियल बैंक के अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स होता है। So now secondary deposits is equal to total deposits minus primary deposits. Total जितने भी total deposit होंगे उसमें से primary deposit minus कर दो तो जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा secondary deposit। Okay? Now the next topic is process of money creation. अब हम ये देखेंगे कि कैसे money create की जाती है, money creation कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है उसकी, वो हमने देखा। सो स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर्स, एंड देयरफॉर मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल। अब आप इसको मनी क्रिएशन भी कह सकते हैं और आप कमर्शियल बैंक के द्वारा इसे क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं। ओके सो नाउ वी विल डिस्कस द अजम्पशंस फॉर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अब कौन कौन सी अजम्पशन ले रहे हैं हम क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस में वो देखते हैं। First assumption is, yes, let us understand how the process of credit creation works using a few simplifying assumptions that we are taking for the sake of making the concept liquid for the students. So first is UniBank model.
यस स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट अजम्पशन इज यूनी बैंक मॉडल, यानी अंडर दिस अजम्पशन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज ओनली वन कॉमर्शियल बैंक। हम ये एज्यूम करके चलेंगे, ये मानकर चलेंगे कि केवल क्या है, एक ही कॉमर्शियल बैंक है यहाँ पर जो वर्किंग अंडर सेंट्रल बैंक इन द इकोनमी एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू इट, और इसी के जरिए जो है सभी की सभी ट्रांजेक्शन इसी के थ्रू जो है होती हैं और थ्रू चेक्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। सो सेकंड अजम्पशंस इज अनचेंज्ड रिजर्व और अनचेंज्ड रेशो। सो द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आर गिवन एंड कॉन्स्टेंट इन द शॉर्ट रन। ओके, सो हम पहले जो है कुछ कैश रिजर्व रेशियो आप पहले ही जो है पढ़ चुके हैं चैप्टर में। सो ये वही लीगल रिजर्व रेशियो हैं जो कि क्या है, जो हर एक कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये रखनी ही पड़ती हैं, ये कैश ये रिजर्व रखने ही पड़ेंगे। सो दिस वुड बी यूज टू फाइंड आउट द value of money multiplier which is equal to reciprocal of legal reserve requirement. So money multiplier is equal to reciprocal of legal reservation. So the formula is 1 by LRR, reciprocal of legal reserve ratio. So yes students, so now we take a numerical example. So let us understand it using a hypothetical numerical example. So suppose the only commercial bank in the economy, ek keval ek commercial bank hai economy mein, Bharat Bank, receive a total deposit of rupees 10,000 crore from household depositors and the legal reserve requirement are 20%. ओके, भारत बैंक जो है केवल एक ही कॉमर्शियल बैंक है इकोनॉमी में और वो क्या कर रहा है, हाउस होल्ड जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे टोटल डिपॉजिट उसने 10,000 करोड़ रुपीज़ के लिए और जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 20%। सो दिस रुपीज़ 10,000 करोड़ इज द प्राइमरी डिपॉजिट विद द बैंक। ओके, सो ये 10,000 हमारे क्या हुए, प्राइमरी डिपॉजिट्स। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक टेल्स अस that the depositor will not withdraw the entire amount in one go. और हर एक बैंक को, कॉमर्शियल बैंकों को अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से ये पता होता है कि सभी के सभी डिपॉजिटर एक ही टाइम में कभी भी सारा पैसा निकलवाने नहीं आते। सो द बैंक ऑल्सो नोज दैट इट हैज टू पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर ऑन द प्राइमरी डिपॉजिट्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हुए, यहाँ पर प्राइमरी डिपॉजिट में, यहाँ पर टू पार्ट्स में हम प्राइमरी डिपॉजिट्स को बांटते हैं। फर्स्ट हो गया लीगल रिजर्व रेशियो LRR विच इज़ टू बी मेंटेन्ड विद द सेंट्रल बैंक एज पर द लीगल कंडीशन, ये सेंट्रल बैंक इनको मेंटेन करते हैं। एंड सेकेंड इज अवेलेबल फंड्स पोस्ट रिजर्व अमाउंट विच मे बी यूज टू क्रिएट द सेकेंडरी डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग टू द बोरोवर्स। ये वो अवेलेबल फंड्स हैं जो कि क्या यूज़ किए जाएंगे क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए एज ए सेकेंडरी डिपॉजिट हैं ये, ठीक है, एंड लैंडिंग टू द बोरोवर्स। एंड द कमर्शियल बैंक्स वुड लाइक टू डिस्पोज ऑफ दिस एक्सेस रिजर्व बाय वे ऑफ लैंडिंग टू द फर्म्स विद एन एम ऑफ जनरेटिंग इनकम थ्रू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के थ्रू वो इनकम को जनरेट करने के एम से वो क्या करते हैं, फर्म्स को क्या करते हैं, लोन देते हैं, बोरोइंग्स देते हैं। सो नेक्स्ट इज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। यस स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी इन दिस टेबल एज पर द टेबल द प्राइमरी डिपॉजिट्स आर
एज पर द एग्जाम्पल अबव द प्राइमरी डिपोजिट्स आर ₹10,000. ओके, ₹10,000, दिस इज आर प्राइमरी डिपॉजिट्स. एंड द रिक्वायर्ड लीगल रिजर्व इज 20%. सो नाउ द बैंक विल कीप ₹2,000 crores इन द फर्स्ट राउंड. ये 20% ऑफ ₹10,000 crore विद इट सेल्फ एंड लैंड द रिमेनिंग अमाउंट ₹8,000 crores. So it should be noted that a commercial bank never provides the loan amount in cash to the borrowers. कभी भी वो borrowers को cash के रूप में कभी भी loan के amount provide नहीं करता. Rather, it is transferred to the account in the name of the borrower. कि उसके account में उनके नाम से borrower के नाम से उसके account में transfer करता है. So this means that द बैंक स्टिल होल्ड्स ₹8,000 crore एंड द बैंक विल अगेन कीप 1600. यस, यू कैन सी 1600 crores, 20% ऑफ 8,000 crores इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹6,400 crores can be used for lending. So this process goes on, okay, and goes on and on till the bank is able to create a credit of ₹40,000 crores. And in other words, with an initial deposit of ₹10,000 crore with the reserve ratio as 20%, the bank is able to create credit of rupees 40,000 crores. Okay, so the limit to deposit expansion are defined by the value of deposit multiplier. Yes, deposit multiplier. So students, the limit of deposits expansion are defined by the value of deposit multiplier. And deposit multiplier is the reciprocal of the ratio of cash reserve ratio or legal reserve ratio and is defined as below. K is equal to, yes, reciprocal of legal reserve ratio 1 by R is equal to, yes, 1 by, yes, legal reserve ratio is 20%, means 0.2, and money multiplier we get, it is equal to 5 times. So students, K is deposit multiplier, R is the ratio of cash reserve or legal reserve ratio, LR are also called variable reserve ratio to deposits. So if as per the example the value of R is 20% or 0.2 and the deposit multiplier will be 5 times the value of its primary deposits, which is ₹10,000 crores. So thus the secondary or derivative deposits come out to be ₹50,000 crores. Okay, so clear. Now the formula for the estimation of credit creation or money creation. Yes, so as indicated by the final result noted above, we can estimate money credit creation by the commercial bank using the following formula. So money or credit created by the commercial bank is equal to 1 by RR reserve ratio multiply cash reserve. So here RR refers to reserve requirement of the commercial bank as the percentage of their demand deposits. And money multiplier or credit multiplier, yes, using the above formula for the estimation of money or credit creation, we can derive the following equation indicated money multiplier or credit multiplier. K is equal to 1 by RR. So K is credit multiplier, RR is reserve requirement as a percentage of
demand deposit of the commercial banks. So students, by this process we create the money, we create the money in the economy, and commercial bank create the money, money in the economy by this process. So I think it is clear now. So that's all for today. Have a good day.